इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी को 10 थीटा रख देते हैं, तो टी को 10 थीटा रखा तो एक्स हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा होता है। सिमिलरली वाई के लिए 2a 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, तो यानी a sin 2 थीटा। क्वेश्चन में पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, तो पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा a cos 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। सिमिलरली एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में a sin 2 थीटा, पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, और 2 थीटा का 2 बाहर आ जाएगा। फिर ए कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 2 थीटा। आंसर वापस टी के टर्म्स में ही चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 2 थीटा होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा -1 माइनस t² अपॉन 2t। एक मिस्टेक हो गया, एक्स में ए नहीं है, तो एक्स में ए नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो ये ए बचा रहेगा, तो यहाँ ऊपर एक ए आएगा, तो ये यहाँ पर एक ए आएगा, तो दिस इज -a। सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -a, तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो a times t² -1 अपॉन 2t। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये करेक्शन है, एक्स में ए नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पे नीचे ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए बचा रह जाएगा, तो ऊपर ए आएगा, तो आंसर हो जाएगा a t² -1 अपॉन 2t। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।